हेलो नमस्कार दोस्तों साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल TTC गाइड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से सिखाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फुल एक्सप्लेनेशन। इससे पहले भी हमने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी जिसमें आप लोगों ने कमेंटें की थी, तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम आपको फिर से अलग से दूसरी वीडियो प्रोवाइड करें जिससे आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े और इजीली से कोई भी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने यह वीडियो बनाई है। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम विदाउट टाइम वेस्ट के इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारी वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फुल एक्सप्लेनेशन, है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है इसका फुल एक्सप्लेनेशन हमें करना है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेड यूजिंग आन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, दिस इंफॉर्मेशन इज यूजली प्रेजेंटेड एज ए स्लाइड दैट मे बी व्यूड ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर आर LCD प्रोजेक्टर। द प्रेजेंटेशन टूल इन MS Office इज MS PowerPoint, यानी कि इसमें जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी होती है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा डिस्प्ले कराते हैं, यानी कि लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम स्लाइड के रूप में उसे लोगों को दिखाते हैं, और उसे हम अपने कंप्यूटर के मॉनिटर या LCD प्रोजेक्टर पर दिखा सकते हैं। उसकी हम स्लाइडें वगैरह क्रिएट करते हैं, बाद में उसे हम दिखा देते हैं, लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंटेशन टूल MS Office, यानी कि MS Office का ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो हमारा MS Office का ही एक टूल है। जिस प्रकार हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही टूल है। ठीक है, इसके अंदर बहुत से फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन को भी अभी हम आपको सभी को दिखाने वाले हैं। तो चलिए और अगले टॉपिक को देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए पॉपुलर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ये हमारा बहुत ही पॉपुलर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है। ठीक है, ऑल्दो देयर आर अल्टरनेटिव्स सच एज कोरल प्रेजेंटेशन, ओपन ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन ETC, हमारे पास इसके अलावा भी बहुत से अल्टरनेटिव, यानी कि बहुत से विकल्प हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अलावा भी, जैसे कि कोरल प्रेजेंटेशन है, ओपन ऑफिस है, और जो भी विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में हमारे अटेंड किए जाते हैं। ठीक है, थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में थ्री हमारे कंपोनेंट हैं, तो उन्हें आप वन बाय वन हम आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए, तो पहला इसके अंदर हमारा है एन एडिटर दैट अलाउ टेक्स्ट टू बी इनपुट एंड फॉर्मेटेड, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो हमें यह परमिशन देता है कि उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, और उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं। यह काम हमारा टेक्स्ट एडिटर का होता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हमारा इट मींस फॉर इंसर्टिंग विजुअल पिक्चर ऑडियो एंड वीडियो, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा कहता है इसमें हम कोई भी विजुअल पिक्चर, यानी कि जो हमें विजुअल दिखाई पड़े, ठीक है, वो कर सकते हैं, ऑडियो इसमें डाल सकते हैं और वीडियो वगैरह हम देख सकते हैं, यानी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ए स्लाइड, और एक स्लाइड ऑप्शन है, शो सिस्टम टू डिस्प्ले द फाइनल कंटेंट, यानी कि जो स्लाइड शो है, स्लाइड इसमें हमारा जो फाइनल कंटेंट होता है, यानी कि जो हमारा डाटा वगैरह इंफॉर्मेशन होती है वही हमारी इसमें शो होती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ ए पावर पॉइंट, यानी कि पावर पॉइंट जो है हमारी उसमें फीचर कौन कौन से होते हैं, अब उनके फीचर को हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा है टाइटल बार। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस शोज द नेम्स टाइटल गिवन बाय यू टू द करेंट प्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी हमारे पास करेंट प्रेजेंटेशन होती है उसमें जब हम कोई नाम देते हैं तो उसके नाम को ये हमें शो कराता है, यानी कि इसका नाम हमें दिखा देता है टाइटल बार में, वो हमें दिखाई पड़ता है जिस भी नाम से हम फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, बाय चांस अगर हम सेव को ना करें, सेव फाइल को ना करें, तो हमारे पास क्या होगा, तो इसमें है इफ़ यूजर डू नॉट सेव द प्रेजेंटेशन बाय एनी नेम डिफ़ॉल्ट नेम गिवन बाय पावर पॉइंट अपीयर्स इन दिस वर्ड, यानी कि तो इसमें अगर हम कोई भी नाम ना दें तो डिफ़ॉल्ट नाम अपने आप ही पावर पॉइंट की तरफ से ऐड हो जाता है उसमें, जो हमें वहीं पर दिखाई
पड़ता है, यानी कि दिस यानी कि टाइटल बार में हमें वही नाम दिखाई पड़ता है अगर हम कोई नाम ना ऐड करें इसमें, ठीक, किसी नाम से भी फाइल ना सेव करें तो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मेनू बार, दूसरा फंक्शन है मेनू बार। ये क्या है, इट कंटेंस मेनू आइटम्स, इसमें मेनू आइटम होते हैं जैसे कि इंसर्ट है, व्यू है, डिजाइन है, एनिमेशन है, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे ऑप्शन वो हमारे मेनू बार के अंदर आते हैं, ठीक है। मेनू बार के सभी ऑप्शन बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या है, एमएस ऑफिस बटन ऑन द लेफ्ट मोस्ट टॉप, यानी कि जी हमारा लेफ्ट मोस्ट टॉप साइड पर होता है, यानी कि इस जगह पर हमारा होता है बिल्कुल कॉर्नर पर, थ्री बने हुए यहीं पर मान लीजिए हमारा होता है ऑफिस बटन, ठीक, उससे भी बहुत सारे हम कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार, इट हैव टूल्स लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट शेप एंड साइज, इट इज टू फॉर्मेट योर डाटा, यानी कि जो भी हमारे पास डाटा होता है उसमें हम फॉर्मेटिंग करने के लिए टूल बार में हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट शेप एंड साइज, साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं इसमें, कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जो भी हमारे पास कंटेंट है, जो भी हमने डाटा टाइप करके रखा हुआ उसमें, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जूम स्लाइड, स्लाइडर इसका क्या यूज है, इट इज़ यूज टू जूम इन आर जूम आउट योर प्रेजेंटेशन, यानी कि जो भी हमने प्रेजेंटेशन क्रिएट की है उसे जूम इन या जूम आउट हम जूम स्लाइड की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्लाइड सॉर्टर पेन, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दिस अलाउ अस टू चूज विच स्लाइड विल बी शोन इन विच सीक्वेंस ड्यूरिंग द स्लाइड शोन, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के हमारे पास स्लाइड हैं, तो उसमें से हम जिस भी सीक्वेंस में अपनी स्लाइड को लगाना चाहते हैं तो उसी में हमें शो होगी प्रेजेंटेशन के टाइम पर, यानी कि स्लाइड शो के टाइम पर, ठीक है। तो यही कार्य होता है हमारा स्लाइड सॉर्टर पेन का, ठीक है। इसमें हम अपनी पहले से ही ऐड कर सकते हैं, बाद में उसी प्रकार से हमें विजिबल होगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नोट पैन, इसका क्या यूज है, दिस अलाउ अस टू टाइप नोट दैट वी मे रिक्वायर लेटर वेन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन बट दे विल डू नॉट बी डिस्प्लेड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, यानी कि नोट पैन में हम अपना कोई भी नोट कर सकते हैं, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी नोट कर सकते हैं, बट वो नोट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी स्लाइड शो के टाइम पर वो हमें शो नहीं होगी, वो जब भी हम कोई स्लाइड बनाते हैं तो उसके बाद में जो भी हम इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करना चाहें उसमें कर सकते हैं, वो हमें केवल उसी समय विजिबल होगी, बट स्लाइड शो के समय वो हमें विजिबल नहीं होगी। यही कार्य होता है हमारा नोट पैन का, इसमें कोई भी डाटा हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा व्यू बटन, ठीक है। तो व्यू बटन का क्या यूज है, देखिए, इट प्रोवाइड्स डिफरेंट व्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन लाइक नॉर्मल स्लाइड शो एंड स्लाइड सॉर्टर, यानी कि व्यू बटन की मदद से क्या कर सकते हैं, हम विभिन्न प्रकार से अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, नॉर्मल मोड में देख सकते हैं इसे हम, और स्लाइड को सॉर्ट भी करके भी हम देख सकते हैं। तो यह रहा हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हमारा जो फुल हमने इन्फॉर्मेशन इसमें डिटेल में आपको सिखाया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं और इजी भी है, तो आप इजीली से इसे समझ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो लाइक से जरूर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, लव यू।